स्वागत है। अभी फ्रेंड आप लोग कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ऑफ कोर्स मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड आज हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं दोपहर से। अभी दोपहर में 2 बज रहे होंगे या 2:30 बज रहे होंगे, ऐसे ही होंगे टाइम। तो मैंने अभी सोचा कि मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, कुछ अपडेट देंगे आप लोगों को, क्योंकि आज मैंने सुबह से अपना ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर पाए थे। तो अभी पार्सल वाले का आया था फ़ोन, क्योंकि मुझे लेना था जो मैंने नेकलेस अपने लिए ऑर्डर किए थे ज्वेलरी, तो उसी को लेना। इतने दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था, आज जाके आया है। बस हमने सोचा था कि अगर कल आएगा पर आएगा तो मैं लूँगी ही नहीं। कल करवा चौथ है, आज 31 अक्टूबर है, और मैंने सोचा था कल आएगा तो मैं नहीं लूँगी, बट एक दिन पहले आ गया। अभी फ्रेंड उसने बोला मैं कमला देवी स्कूल के पास में हूँ, तो उसके बाद मैं कह रहा कि मैडम मैं SRP भवन पे हूँ, 5-10 मिनट बाद आऊँगा, फिर से फ़ोन किया तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं नहीं गई नीचे। अभी फिर ये कह रही हूँ कि मतलब कल करवा चौथ है फ्रेंड, आप सभी के लिए हैप्पी करवा चौथ। मैंने मेहंदी भी नहीं लगवाई है अपनी करवा चौथ की मेहंदी, क्योंकि जिस लड़की से मैं लगवाती हूँ वो अभी स्कूल गई हुई है, आएगी 3:30 बजे तक, तब मैं लगवाऊंगी उससे मेहंदी। आपको सो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, इसीलिए मैं उसी लगवाऊंगी। लड़की छोटी सी है, आज हो सकेगा तो अगर वीडियो में वो आएगी तो दिखाएंगे आपको। छोटी सी तो है बट मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है, इसीलिए ना मुझे हमेशा उसी से लगवाना होता है। एक बार मैंने यहाँ पर लगवाया था, एकदम बेकार सब मेहंदी, बस ये सोचते थे तीज में लगवाना था कि या कुछ भी लगवाए थे। मैंने कहा चलो ठीक है, मेहंदी लग गई है, बस थोड़ा हाथ रंगीन हो गया ऐसा हुआ था, बट वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती। तो जैसे मेरे तीज पे लगाई थी अभी, बहुत अच्छी लगी थी करवा चौथ की, उसी से मेहंदी लगवाते, तो उसी का वेट करते हूँ। भैया 10 मिनट बोल के देखो कितना देर हमें पकाते हैं, वो आ जाएँ पहले। अभी फ्रेंड देखिए करवा बेचने आए, मिट्टी का करवा कितना अच्छा अच्छा है, एकदम मस्त लग रहा है। रंगीन वंगीन बना के, फूल वगैरह बना के बहुत अच्छा लग रहा है वो देख के, इनका करवा। हम लोग का करवा चौथ, वो करवा चौथ कह रहे हैं, हम लोग का करवा फ्रेंड मिट्टी का नहीं होता है, हम लोगों का पीतल का होता है, जो शादी में मिलता है हम लोगों के लिए, वो शादी में ही दे दिया जाता है। हमारे यहाँ वैसे करवा देते नहीं है, शादी में ही दे देते हैं, उसी को मान लेते हैं, तो वो करवा होता है हम लोगों के लिए। मंडी लोग मिट्टी का लेते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के करवा, छोटा छोटा है। अभी फ्रेंड आ गया है, पार्सल पानी लेके आ गए, अब देख चल के खोलते हैं सेम चीज़ें निकलती या नहीं। आजकल तो यही हो रहा है, जो सेम चीज़ें नहीं निकलती, हम ऑर्डर करते हैं कुछ और, आज कुछ और जाता है, दम ऊपर फेंकने लगता है 3 मंजिल चढ़ने पे। तो दिखाते हैं, अभी खोलते हैं फ्रेंड, देखते हैं इसमें जो हमने ऑर्डर किया वही चीज़ें हैं या कुछ और, क्योंकि मीशो का कोई भी ठिकाना नहीं है, कभी कुछ भी वो कर सकते हैं या कुछ भी भेज सकते हैं। ज्वेलरी जो मैंने ऑर्डर किया था साड़ी पे पहनने वाले, और ये है मांग टीका, और ये कान का है। तो कैसा लगा आप लोग को बताना कमेंट करके, और फाइनली जब फुल लुक दिखाऊंगी, जब मैं पहनूंगी अच्छे से तो और भी अच्छा लगेगा, तब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। फ्रेंड हमारी मेहंदी लग गई, और हमने कहा था कि सीधे आप लोगों से मेहंदी पे मिलेंगे, बट क्या हुआ कि वो लड़की आई, वैसे भी मोस्टली 3:30-4 बजने वाले थे तब आई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी बिना देरी किए मैंने कहा कुछ नहीं अभी वीडियो बाद में मैं शूट कर लूँगी, पहले हमें मेहंदी लगा दो फटाफट, क्योंकि हमें मेहंदी लगवाने के बाद सूखेगी, फिर मैं अपना काम भी बहुत करना होता है अभी, मतलब बहुत सारे काम भी, खाना बनाना, बहुत चीज़ें हैं, कुछ तैयारी करना कल के लिए, तो इसीलिए मैं फटाफट मेहंदी लगवाने लगी। और मेहंदी मैंने इस बार बहुत अच्छी से लगवाई है, ये है मेरा फ्रंट में, और मैंने इधर लिखवाया है नाम पतिदेव का अपने। अभी मेरे साथ पतिदेव मतलब नीचे गए हैं किसी काम से, इसीलिए मैं दोनों हाथ का एक साथ नहीं दिखा पाऊँगी, एक एक हाथ का दिखा देंगे आपको सूट करके। और ये मेरा बैक साइड का, इसमें गाना लिखा है आया रे चंदा आया वो वाला गाना लिखा है, आप खुद ही पढ़ लेंगे पूरे अच्छी तरीके से, इस तरीके से देखा ना। तो मैंने ये लिखाया है, थोड़ा अलग लगवाई मैंने मेहंदी इस बार, तो ये मेरे इतना सूख गई ना मेहंदी, इसलिए टाइट करके हाथ इस तरफ में खींचा, ये पूरा फ्रंट में सीधा सीधा है, तो ये हाथ का ये वाली मेहंदी है, कैसा लग रहा है बताना आप लोग। और दूसरे हाथ का मैं दिखाती हूँ आपको, इस हाथ का कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर लिखा हैप्पी करवा चौथ, और ये अभी इस पे सब लोग, और मुझे बैक साइड का मेरा ये है,
कैसा लग रहा है बताना कमेंट करके। मेरी मेहंदी अच्छी सी महक रही, बहुत प्यारी सी महक आ रही है मेहंदी की। तो उनको कोचिंग मतलब पढ़ना था बच्चों को, तो मैंने कहा चलिए ठीक है आपके सर आ गए तो आप चले जाओ और मैं बाद में उंगली भर लूँगी, इसमें तो नहीं भरना है, यहाँ तक डिजाइन है और इसमें भरना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं थोड़ा मेहंदी। तो फ्रेंड बताना हमारी मेहंदी कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बताना। और इसी के साथ हम अपना ये ब्लॉग एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और एक की और कमेंट करके बता देना कि आज का छोटू सा ब्लॉग हमारा कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।